किसान भाइयों, मैं सौरभ बाजा किसी भी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको जो कंबाइन हार्वेस्टर के बाद जो उसका दूरी जो बचती है, जैसे ये खेत में पड़ी है उसको भूसा बनाने वाली मशीन को आपको स्वागत करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्रैक्टर है न्यू हॉलैंड फोर्ड 3630, उसके पीछे लगी हुई है मशीन, ये है जो भूसा बनाती है इसका। उसके पीछे लगती है ये ट्रॉली जिसमें भूसा भरा जाता है हाथ साथ के साथ। तो आप देख सकते हैं ये है, ये ट्रॉली है जिसमें भूसा भरा जाता है हाथ से, और ये है। अब आप देख सकते हैं ये मशीन चल रही है, इसमें जो है भूसा ऊपर भरा जा रहा है, ट्रॉली में जो पीछे है इसमें भूसा भरा जा रहा है, और ये मशीन इसे बना रही है उसको। ये जो कंबाइन हार्वेस्टर के बाद जो बचा हुआ इसका प्याल था उसका भूसा बन रहा है इस समय। आप देख सकते हैं ये मशीन है जो चल रही है इस समय, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत अच्छा चल रही है इस समय। आप देख सकते हैं इसमें भूसा भरा जा रहा है पीछे ट्रॉली में, सफाई से काम हो रहा है बिल्कुल ही, इसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं रह रहा है। गिरा हुआ खेत था, बिल्कुल साफ खेत आपको दिख रहा है। इसी तरीके से काम जल्दी हो जाता है, किसानों को सुविधा रहती है, इसमें न किसान को भूसा भरने की ज़रूरत रहती है, भूसा ट्रॉली में अपने आप भर जाता है और वो जाके एक जगह खल भी जाता है। खलाने की किसान को जरूरत नहीं होती क्योंकि जैक लगा हुआ है ट्रॉली में, अपने आप ट्रॉली खल जा देती है। इससे काम किसान का जल्दी हो जाता है और कम पैसे में हो जाता है। लेबर से काम कराने में बहुत महंगा होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इतना ही वीडियो हम बताना चाह रहे थे किसान भाइयों, जो आप देख रहे हैं ये वीडियो है भूसा बनाने वाली स्टोरी पर की। धन्यवाद किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।